हाय एवरीवन, आज है मंडे और हर मंडे की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग मंडे मोटिवेशन स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है द वीवर एंड द टीनेजर बॉय। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच और इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ आपके लिए अमेजिंग मोटिवेशन स्टोरीज, मेडिटेशन ऑडियोज और किस तरीके से आप अपने माइंड और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स। तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है एक वीवर के बारे में, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो साड़ियाँ बुनता था। ये बहुत ही पुराने टाइम की बात है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने हाथों से सारी कॉटन साड़ीज बनाता था और वो अपने एरिया में बहुत ही फेमस था। मगर उसके फेमस होने की सिर्फ ये वजह नहीं थी कि वो बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ बनाता है, बल्कि ये भी थी कि वो बहुत ही शांत रहता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता, बल्कि बहुत ही शांति से उस सिचुएशन का सामना करता है। वो साड़ी बुनने वाला अपनी इन सब क्वालिटीज़ के कारण सभी लोगों में बहुत ही प्रिय था। सब लोग उसे बहुत लाइक करते थे और अपनी साड़ीज उसी से लेना पसंद करते थे। अब एक बार की बात है कि बहुत सारे टीनेजर लड़के आपस में खेल रहे थे, तभी किसी ने इस साड़ी बुनने वाले को मेंशन किया और उसी टाइम इन टीनेजर बॉयज़ के दिमाग में खुराफात सूझी। उन्होंने कहा, चलो इसको गुस्सा दिलाते हैं, इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। अब इनमें से एक टीनेजर बॉय जो बहुत ही ज्यादा शैतान था, उसने ये काम करने का बीड़ा उठाया और उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि इस साड़ी बुनने वाले को मैं गुस्सा दिला के दिखाऊंगा। वो बहुत ही प्यार से उस साड़ी बुनने वाले के पास गया। वहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी थी जो बहुत ही सुंदर सुंदर थी। उसने उनमें से एक साड़ी उठाई और जाके उस साड़ी बुनने वाले से बहुत प्यार से बोला, अंकल ये साड़ी कितने की है? तो साड़ी बुनने वाले ने जवाब दिया, बेटा ये 1000 रुपये की है। और उसने बहुत प्यार से बोला, अंकल मुझे ये पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी आधी साड़ी चाहिए। और ये कहते कहते ही उसने उस साड़ी को दो भाग में डिवाइड कर दिया, आधी आधी कर दी। और उसने बोला, इस आधी साड़ी का क्या दाम है? तो उस साड़ी बुनने वाले ने बहुत ही काम में से, बहुत ही शांति से जवाब दिया, बेटा ये 500 रुपये की है। अब लड़के ने बोला, नहीं मगर मुझे ये इतनी भी नहीं चाहिए। और ये कहते ही उसने उस साड़ी को और आधा कर दिया। वो साड़ी के 4 भाग कर चुका था, उसके बावजूद वो साड़ी बुनने वाला बहुत ही शांत था। बहुत ही शांत भाव से वो सब होता हुआ देख रहा था। और उस लड़के ने बोला कि अब इस 1/4 साड़ी का क्या दाम है? तो उस साड़ी बुनने वाले ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, बेटा इसका दाम है 250 रुपये। और ऐसा करते करते उस लड़के ने उस पूरी साड़ी को तार तार कर दिया, यानी छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। और फिर बोला, अब ये साड़ी तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर उस साड़ी बुनने वाले ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, बेटा अब ये साड़ी तुम्हारे क्या किसी के भी काम की नहीं है। ये सब देख के लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो ये सोच रहा था कि जैसे ही मैं साड़ी को आधा करूँगा ये गुस्सा खा जाएगा, ये साड़ी बुनने वाला मुझे डांटेगा और मैं अपनी शर्त जीत जाऊँगा। मगर अब इस साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, इसके बावजूद भी उस साड़ी बुनने वाले ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई अशांति नहीं दिखाई। और ये सुन के लड़के को एक गिल्ट की भावना आई और उसने साड़ी बुनने वाले से बोला, आपकी पूरी साड़ी मेरे कारण फट गई है, ये लो आपके 1000 रुपये, आप इस पूरी साड़ी के दाम रख लो क्योंकि मैंने आपका नुकसान किया है। साड़ी बुनने वाले ने बोला, नहीं मैं तुम्हारे ये 1000 रुपये नहीं ले सकता क्योंकि तुम इस साड़ी को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसको नहीं ले जा पाओगे। तो ये देख के बहुत ही हैरानी से लड़का साड़ी बुनने वाले को देखने लगा। उसने बोला, मैं आपको इसके पूरे पैसे चुकाने को तैयार हूँ, मैं जानता हूँ आपका नुकसान हुआ है, आप इन पैसों को ले लो। तो साड़ी बुनने वाले ने उसको जवाब दिया, बेटा तुम्हें क्या लग रहा है, इस साड़ी को फाड़ के तुमने सिर्फ मेरा नुकसान किया है, तुमने डिसरिस्पेक्ट करी है उस किसान की जिसने बहुत ही मेहनत से इस कॉटन को उगाया था, तुमने डिसरिस्पेक्ट करी है उस व्यक्ति की जिसने बहुत ही मेहनत से इस कॉटन को धागों में पिरोया और उसके बाद मैंने उन धागों को कलर करके ये साड़ी बनाई,
और ये साड़ी की वैल्यू तभी होती अगर इस साड़ी को कोई पहनता, यूटिलाइज करता, मगर अब तुमने जो इसको फाड़ दिया है, अब ये किसी के भी काम की नहीं रही, तो ये तुम्हारे 1,000 रुपये मेरे किसी काम के नहीं है। ये सुनते ही लड़के को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आई, वो समझ गया उससे कितनी बड़ी गलती हुई है और वो बहुत बुरे तरीके से रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। और ये देख कर जो साड़ी बुनने वाला है उसने उस बच्चे को, उस टीनेजर लड़के को अपने गले लगाया और बोला, बेटा अगर आज मैं तुमसे ये 1,000 रुपये ले लेता तो शायद जो तुमने मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई हो जाती, मगर उससे तुम्हारा पूरी जिंदगी के लिए नुकसान हो जाता, क्योंकि वो तुम्हें इकोइस्टिक बना सकता था, वो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना सकता था जो ये सोचता कि वो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत ही इजीली कुछ पैसे फेंक कर खरीद सकता है, और इसलिए कभी तुम उस चीज़ की कदर नहीं समझ पाते। जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम कपड़े पहन रहे हो, जो तुम चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने आस पास, उन सब चीज़ों को बनाने में लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सिर्फ पैसे से तुम उस चीज को नहीं तोल सकते, वो किसी का हार्ड वर्क है, और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम इस चीज को रियलाइज करो और कद्र करो चीजों की, ना कि सिर्फ मेरे को ये पैसे दो और चीजों का नुकसान कर दो। और फ्रेंड्स ये कितना सच भी है, कई लोगों को लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, उनको चीज़ों का वैल्यू नहीं पता। बहुत सारे लोग आज भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जितना वो खा सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खाना वो अब मंगवा लेते हैं, और उसके बाद बचा हुआ खाना वो वहीं वेस्ट करके चले जाते हैं। मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेशक आपके पास अभी पैसा है जिससे कि आप उस खाने को अपनी टेबल तक ला पाए, मगर जब आप उस खाने को वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं जिसने उस खाने को आपकी टेबल तक पहुँचाया, चाहे वो किसान हो जिसने उस खाने के बीजों को उगाया था, चाहे जिसने आप तक अभी वो रेस्टोरेंट में जिस व्यक्ति ने आपके लिए वो खाना बनाया और वहाँ तक पहुँचाया। और साथ ही आप उन सभी लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों की बेकदरी कर रहे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। तो जो आपके पास खाना है, जितना आप खाना चाहते हैं आप उतना मंगाएं, जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं आप उतनी ले जितनी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास होगा मगर नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है और सबके लिए है, उसको वेस्ट करने का हक उसके बावजूद आपके पास नहीं है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये मैसेज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उतनी ही चीज़ें खरीदें, उतनी ही चीज़ें लें जितनी आपको ज़रूरत है, और आप कदर करें उन लोगों की जिन्होंने उस चीज़ को आप तक पहुँचाया, चाहे वो आपसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हैं या वीकर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में YTNR ज़रूर लिखें। YTNR है येस टू नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंस को समझ सके। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ज़रूर बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लगाया है। वेल, मेरी 6 ईयर्स ओल्ड नीस ने मुझे ये लगा के दिया है आज, उसने बोला कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो आप इसको ज़रूर लगा के जाओ, और आप जानते हैं कि बच्चों को मना करना इम्पॉसिबल है। एंड ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन। अभी करंट सिचुएशन में हम लोग सारे एक साथ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, और जल्द ही हम इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर लेंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। आई विश यू एंड योर इंटायर फैमिली अ वेरी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।